इवनिंग ऑल, आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो क्लास 7 का है एंड ये एक लिटरेचर बुक का आपका एंड चैप्टर का नेम है द ओवल पोर्ट्रेट, दैट चैप्टर नंबर 8। द ओवल पोर्ट्रेट मतलब ओवल शेप का पोर्ट्रेट मतलब पिक्चर। तो ये थोड़ा आपको जैसे लिटरेचर के बाकी चैप्टर रहते हैं इसमें मीनिंग्स आपको बहुत सारे ढूंढने पड़ सकते हैं, पीछे बहुत सारे मीनिंग दिए हैं, बीच बीच में कुछ वर्ड्स की मीनिंग मैं बताता रहूँगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग देन यू विल अंडरस्टैंड द दिस हिस्टोरी। ओके नाउ स्टार्ट करते हैं। वेयर गॉथिक बिल्डिंग्स एंड हॉन्टिंग पिक्चर्स अबाउंड। तो गॉथिक बिल्डिंग मतलब ओल्ड यूरोपियन टाइप्स की बिल्डिंग्स और हॉन्टिंग, हॉन्टिंग जैसा आपको पता है घोष्टी टाइप पिक्चर्स अबाउंड बहुत सारी हैं। तो इसमें इसी तरह की थोड़ी सी हल्की सी इस तरह का इंट्रोडक्शन है, बाकी ऐसा डरावनी जैसा कुछ नहीं है। तो रीड द स्टोरी एट होम एंड डू द एक्टिविटीज। द चैट्यू मीन्स कासल इन टू विच माई वैलेट, वैलेट मीन एक सर्वेंट होता है मेल सर्वेंट, हैड वेंचर टू मेक फोर्सिबल एंट्रेंस रादर देन परमिट मी इन माई डेस्परेटली वॉन्टेड कंडीशन टू पास ए नाइट इन द ओपन एयर। तो जो एक कासल उन्होंने ढूंढा इसके इनके सर्वेंट ने, बिकॉज दैट पर्सन जैसे सर्वेंट का जो मालिक है वो मतलब इंजर्ड था, वॉन्टेड था, तो इंस्टीट्यूट ऑफ बाहर में ठंडे में रात बिताने के बजाय वो एक कासल में आ गए थे। ओके वॉज वन ऑफ दोज पाइल्स ऑफ कमिंग लेड ग्लूम एंड ग्रैंड्योर विच हैव सो लॉन्ग फ्रोन अमंग द एपेनिस। तो वॉज बेसिकली ये वो बता रहा है कमिंग लेड का मतलब एक ब्लेंडेड था, एक ब्लेंडेड ग्लूम, ग्लूम मतलब थोड़ा डार्कनेस एंड ग्रैंड्योर मतलब एक इम्प्रेसिव। तो ये जो कासल था थोड़ा एक मिक्सचर था, थोड़ा अंदर में डार्कनेस थी, थोड़ा ग्लूमी था एंड इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर या इम्प्रेसिव टाइप ऑफ सीनरी या पिक्चर्स उसमें ऐसे कुछ बने हुए थे। विच वॉज सो लॉन्ग फ्राउन अमंग द एपिनिस, एपिनिस मतलब माउंटेन जो इटली के आसपास में कुछ एपिनिस है, कुछ माउंटेन्स हैं उसका नाम है, उनके बीच में कहीं पर ये बना हुआ था उस माउंटेन के बीच। नॉट लेस इन फैक्ट इन द फैंसी ऑफ मिसेस रेडक्लिफ टू ऑल अपेरेंस इट हैज़ बीन टेम्पररली एंड वेरी लेटली अबंडन। और उसको चारों तरफ देखने से लगता था कि ये अबंडन किया गया है और थोड़ी दिन के लिए किया गया है। वी एस्टेब्लिश आवर सेल्फ इन वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट सम्पटलिसली फर्निस अपार्टमेंट। तो एक स्प्लेंडेड बोल रहा है, इसका मतलब होता है लीस्ट स्प्लेंडेड जो होता है, इतना बहुत बढ़िया नहीं है, वो छोटा सा एक रूम या अपार्टमेंट जैसा उनको मिल गया था। इट ले इन ए रिमोट टरेट ऑफ द बिल्डिंग, टरेट होता है एक टावर जैसा जिसे चारों तरफ वॉल वॉल्स कुछ होती है, ऐसी एक रिमोट मतलब एक कहीं अकेले जैसी जगह में था ये। ओके इट्स डेकोरेशन वर रिच येट टेटर्ड एंड एंटीक। सो डेकोरेशन जो रिच थी, टेटर्ड मतलब बहुत पुरानी थी, ओल्ड एंड टॉर्न। इट्स वॉल वर हंग विथ टेपेस्ट्री एंड बेडेक, टेपेस्ट्री का मतलब आर्ट फॉर्म एंड बेडेक का मतलब डेकोरेटेड विथ मैनीफोल्ड एंड मल्टीफॉर्म आर्मोरियल ट्रॉफीज। तो ये बेसिकली इसकी वॉल जो थी उसमें आर्ट फॉर्म लगी हुई थी, मतलब पिक्चर्स लगी हुई थी, आर्ट के कुछ और चीज़ें रखी हुई थी, और इसमें आर्मोरियल मतलब आर्म्स के जो कोट्स होते हैं वो थे और ट्रॉफीज थी। तो ये सब कुछ उसमें वहाँ पर वॉल में लगा हुआ था। ओके देन टुगेदर विद द अनयूजली ग्रेट नंबर ऑफ स्पिरिटेड मॉडर्न पेंटिंग्स इन द फ्रेम ऑफ रिच गोल्डन आरबेस्क्यू टुगेदर विद द अनयूजली ग्रेट नंबर ऑफ वेरी स्पिरिटेड मॉडर्न पेंटिंग्स भी थी उसमें फ्रेम में, और रिच गोल्डन आरबेस्क्यूज मतलब कुछ पैटर्न्स जैसी ऐसी पेंटिंग भी थी। इन दिस पेंटिंग्स विच डिपेंडेड फ्रॉम द वॉल्स नॉट ओनली इन देयर मेन सर्विसेज बट इन वेरी मैनी नुक्स विच इज द बिजार आर्किटेक्चर ऑफ द कैसल कैचेट्यू इसमें लिखा है रेंडर्ड नेसेसरी। तो बहुत सारी जो थी वो पेंटिंग जो थी वॉल्स पे तो लगी हुई थी, वॉल की मेन सर्विसेज, बट भाई बहुत सारे कॉर्नर में बिजार मतलब एक स्ट्रेंज टाइप का आर्किटेक्चर जो था उसका कैसल का वहाँ पर लगी हुई थी। इन दिस पेंटिंग माई इंसिपियंट डेलिरियम, इंसिपियंट का मतलब होता है स्पेक्स, इंसिपियंट का मतलब इन्होंने पीछे दिया है यस डेवलपिंग इन टू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड, डेलिरियम का मतलब डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड।
perhaps, okay, had caused me to take deep interest. तो ये सब जब चीज़ें जो थी जिन्होंने आर्किटेक्चर देखा, पेंटिंग देखा, ये सब उसे इसके कारण इसको थोड़ा इसमें इंटरेस्ट आ गया. सो दैट आई बेड पेड्रो टू क्लोज द हैवी शटर ऑफ द रूम. बेड पेड्रो मतलब पेड्रो जो इसका असिस्टेंट होगा उसको बोला टू क्लोज़ द हैवी शटर ऑफ द रूम, मतलब जो शटर जो लगे हुए थे मे बी विंडोज़ के उसको क्लोज कर दो. सिंस इट वॉज ऑलरेडी नाइट टू लाइट द टंग्स ऑफ ए टॉल कैंडल, कैंडलाब्रम, कैंडलाब्रम होता है एक कैंडल का, बहुत सारी जिसमें कैंडल लग सकती है उसको बोलते हैं, उसको लाइट अप करने को बोला. विच स्टूड बाई बाई द हेड ऑफ माई बेड, वो उसके बेड के साइड में ही था. एंड टू थ्रो ओपन फार एंड वाइड द फ्रिंज कर्टन्स ऑफ ब्लैक वेलवेट, और जो मतलब जो फ्रिंज कर्टन्स होते हैं ना, जो बेड के चारों तरफ जो कर्टन्स लगे रहते हैं उनको ओपन करने के लिए बोल दिया. विच एनुल ऑफ द बेड इट सेल्फ, जो बेड के चारों तरफ लगे थे. ओके आई विश्ड ऑल दिस डन दैट आई माइट रिजाइन माई सेल्फ इफ नॉट टू स्लीप एटलीस्ट अल्टरनेटली टू द कंटम्पलेशन ऑफ दिस पिक्चर्स एंड द पेरिसल ऑफ ए स्मॉल वॉल्यूम विच हैड बीन फाउंड अपॉन द पिलो. तो वो ऐसा सोच रहा था कि मैं सोऊंगा कि नहीं सोऊंगा, एटलीस्ट जिन पिक्चरों को देखेगा एंड जो स्मॉल वॉल्यूम एक बुक रखी हुई थी जो उसके पिलो के पास में, उसको रीड करेगा. एंड विच परपोर्टेड टू क्रिटिसाइज एंड डिस्क्राइब देम, जो बुक मतलब ऐसा था कि परपोर्टेड का मतलब होता है स्टेटेड टू बी ट्रू, ऐसा लगता था कि वो जो आर्किटेक्चर है वहाँ का, जो कैसल का जो पिक्चर्स है उनके बारे में ये बुक लिखी गई है और इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा है उनका. ओके लॉन्ग लॉन्ग आई रीड एंड डिवोटेडली आई गेज, तो जितना ज़्यादा वो पढ़ता जा रहा था उस बुक को डिवोटेडली मतलब बहुत इंटरेस्ट के साथ में, आई गेज मतलब घूर रहा था. रैपिडली एंड ग्लोरियसली द आवर्स फ्लू बाई एंड द डीप मिडनाइट केम, बहुत घंटे बीत गए और एकदम मिडनाइट हो गई थी. ओके द पोजिशन ऑफ द कैंडलाब्रम डिसप्लीज मी एंड आउट रीचिंग माई हैंड विद डिफ़िकल्टी रादर देन डिस्टर्ब माई स्लम्बरिंग वैलेट. तो जो कैंडलाब्रम की जो लाइट आ रही थी उसको डिसप्लीज कर रही थी, मे बी उसके मुँह पर आ रही होगी, वो अपने हाथों से उसको रीच करना चाह रहा था, वो नहीं चाह रहा था कि उसका जो असिस्टेंट सो गया उसको उठा दे. स्लम्बरिंग का मतलब स्लीपिंग, वैलेट का मतलब अटेंडेंट. आई प्लेस इट सो एज टू थ्रो इट्स रे मोर फुली ऑन द बुक, वो चाहता था कि वो इस तरह से रखे उस कैंडलाब्रम को जिससे ज़्यादा लाइट आए बुक पे. बट द एक्शन प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑल टुगेदर अनएंटिसिपेटेड, द रेज ऑफ द न्यूमरस कैंडल्स फॉर देयर वर मैनी नाउ फेल विद इन द नीच ऑफ द रूम विच हैड हिथेरटो बीन थ्रोन इन टू द डीप शेड बाई वन ऑफ द बेड पोस्ट. बट उसने जैसे ही उसको घुमाया तो उसकी जो रेस जो थी वो उस तरफ नहीं आई बट किसी और कॉर्नर में चली गई. हिथर टू मतलब सो फार जो अभी तक यहाँ पे आ रही थी वो बेड पोस्ट की तो दूसरी तरफ चली गई लाइट्स, मतलब उनकी जो रोशनी जो थी. आई दस सॉ इन द विविड लाइट ए पिक्चर, जो ये सब लाइट्स में उसने एक पिक्चर देखी, ऑल अननोटिस बिफोर, जो उसने पहले नहीं देखी थी, नोटिस नहीं किया था. इट वॉज द पोर्ट्रेट ऑफ अ यंग गर्ल जस्ट राइपनिंग इन टू द वुमनहुड, तो एक यंग गर्ल की पिक्चर थी जो अपनी मतलब थोड़ी सी मैच्योर होने वाली थी, वुमन बनने वाली थी. आई ग्लांस एट दी पेंटिंग हरिडली एंड देन क्लोज माई आईज. वाई आई डिड दिस वॉज नॉट एट फर्स्ट अपरेंट इवन टू माई ओन परसेप्शन, तो उसने थोड़ी देर देखा फिर अपनी आँखें क्लोज कर ली, बट उसको भी समझ में नहीं आया उसने आँखें क्लोज क्यों करी. बट वाइल माई लिड्स मतलब जो आँखें की पलकें रिमेन दस शट, आई रन ओवर इन माई माइंड माई रीज़न फॉर सो शटिंग दैम, बट अपने रीज़न सोच रहा था कि मैंने क्यों बंद करी है आँखें. ओके आई रन ओके या इट वॉज एन इम्पल्सिव मोमेंट टू गेन टाइम फॉर थाट, ये एक इम्पल्सिव मोमेंट था जिससे मन में कोई थाट आ जाए. टू मेक श्योर दैट माई विजन हैड नॉट डिसीव मी, नॉट डिसीव, उसने उसकी विजन ने जो देखा है, जो उसकी आंखों ने देखा है उस पर विश्वास करना चाहता था. टू काम एंड सबड्यू माई फैंसी फॉर ए मोर सोवर एंड मोर सर्टेन गेज इन ए वेरी फ्यू मोमेंट्स अगेन आई अगेन लुक फिक्सली एट द पेंटिंग, और थोड़ी देर में वो उसी पेंटिंग्स को वापस देखने लगा. दैट आई नाउ सॉ ऑल राइट आई कुड नॉट एंड वुड नॉट डाउट, जो मैं देख रहा था मैं डाउट नहीं कर सकता था. फॉर द फर्स्ट फ्लशिंग ऑफ द कैंडल्स अपॉन दैट कैनवास दैट सीम टू बी डिसिपेट का मतलब डिसिपेयर द ड्रीमी स्टूपर,
जो एक ड्रीम में चला गया था, स्टूपर का मतलब लैक ऑफ क्रिटिकल मेंटल फंक्शन, मतलब उसको एक मेंटल शॉक जैसा लगा था उस पेंटिंग को देखने के बाद, स्टिलिंग ओवर माई सेंसेज एंड टू स्टार्टल, स्टार्टल मतलब मूव सडनली मी एट वंस इन टू द वेकिंग लाइफ। और फिर वो वापस अपनी वेकिंग लाइफ में आया, मतलब उसको थोड़ा शौक लगा था पेंटिंग को देखने के बाद, थोड़ा सरप्राइज हो गया था, वापस अपने सेंसेस में आया। द पोर्ट्रेट आई ऑलरेडी सेड वॉज दैट ऑफ यंग गर्ल, इट वॉज ए मियर हेड एंड शोल्डर डन इन वॉट इट टेक्निकली टर्म ए विग्नेटे मैनर, विग्नेटे का मतलब जिसमें कोई बॉर्डर नहीं रहता। तो पोर्ट्रेट जो थी, जो पिक्चर जो थी, वो एक यंग गर्ल की थी, उसके खाली मतलब जो उसकी जो हेड शोल्डर और अपना उसका बॉसम थगी थी। मच इन द स्टाइल ऑफ फेवरेट हेड्स ऑफ सली, द आर्म्स द बॉसम एंड इवन द एंड्स ऑफ द रेडियंट हेयर मेल्टेड इन परसेप्टिबली इन टू द वेग वेरी येट डीप शेडो विच फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ द होल। तो वो पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो जो आर्म जो थी, उसकी बॉसम जो था, मतलब जो उसकी चेस्ट है, एंड इवन द एंड्स ऑफ द रेडियंट हेयर मेल्टेड एकदम इम्परसेप्टिवली मूव कर रहे थे इन टू द वेग, वेग मतलब अनक्लियर, या डीप शेडो विच फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ द होल। ओके, तो बता रहा है कि वो किस तरह से बैकग्राउंड में मैच कर रहे थे, बट एकदम से अजीब तरीके से उसको बनाया गया था, बट येट बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। द फ्रेम वॉज ओवल रिचली गिल्डेड एंड फिलग्रीड इन मॉर्स्क्यू। जो फ्रेम जो था रिचली कवर्ड था, ओके, एंड फिलिग्रीड का मतलब यहाँ पे दिया है अडॉर्न विथ वायर ऑफ गोल्ड सिल्वर और अनदर मेटल दैट इज ट्विस्टेड टू फॉर्म ए पैटर्न रिसेम्बलिंग लेस, एक लेस धागा जैसा बनाता है। मॉर्स्क्यू को मतलब इन द स्टाइल ऑफ मूर्स नोमैडिक मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। ओके, एज ए थिंग ऑफ आर्ट नथिंग कुड बी मोर एडमायरेबल देन द पेंटिंग इट्सेल्फ। ओके, बहुत बढ़िया पेंटिंग थी, वो एडमायर कर रहा था। बट इट कुड हैव बीन नाइदर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क नॉट द इमॉर्टल ब्यूटी ऑफ द काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब फेस या फेस की एक्सप्रेशन, विच हैड सो सडनली हैड सो वेमेंटली मूव्ड मी। वेमेंटली का मतलब फोर्सफुली मूव्ड मी। तो उस पेंटिंग को इतना अट्रैक्टिव लग रही थी उसको, उस ब्यूटीफुल जो लेडी थी और उसके जो एक्सप्रेशन जो थे, वो इसको बहुत ज़्यादा मतलब उसको सरप्राइज कर रहे थे। ओके, लीस्ट ऑफ ऑल कुड इट हैव बीन दैट माई फैंसी शेकन फ्रॉम दी हाफ स्लम्बर। हाफ स्लम्बर मतलब स्लीप में, जैसे हाफ स्लीप में था वो, हैथ मिस्टेक इन द हेड फॉर दैट ऑफ ए लिविंग पर्सन। और उसने उसको ऐसा लगा कि वो एक लिविंग पर्सन की, लिविंग पर्सन का हेड है ऐसा करके, मतलब उसको उस तरह से लगा। आई सॉ एट वंस दैट दी पिक्युलरिटीज मतलब अनयूजुअलनेस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ विग्नेटिंग मतलब जिसमें बॉर्डर नहीं था फ्रेम में, एंड द फ्रेम मस्ट हैव इंस्टेंटली डिस्पेल्ड सच आइडिया। बट जो ये उसको लगा था कि किसी लिविंग पर्सन है, बट उसने वो वापस जो उसने देखा फ्रेम और उसका विदाउट बॉर्डर, तो उसको लगा कि नहीं, ये लिविंग पर्सन नहीं है, पिक्चर ही है। मस्ट हैव प्रिवेंटेड इवन इट्स मोमेंट्री एंटरटेनमेंट। थिंकिंग अर्नेस्टली अपॉन दिस पॉइंट्स, मतलब ऑनेस्टली इस पॉइंट पर सोचते हुए, आई रिमेंडेड फॉर एन आवर परवेस हाफ सिटिंग हाफ रिक्लाइनिंग। तो कम से कम एक घंटे के लिए वो इसी तरह से आधा बैठा आधा करते आधा लेटा वो उस पिक्चर को देख ही रहा था, विथ माई विजन रिविटेड अपॉन द पोर्ट्रेट। और उसकी जो विजन जो थी, उसकी दृष्टि जो थी, वहीं पे एकदम रिविट हो गई थी, मतलब उसी पे घूर ही जा रहा था। एट लेंथ ओके सेटिस्फाइड विद द ट्रू सीक्रेट ऑफ हिज इफेक्ट आई फेल बैक विद इन द बेड। और वो सब देखने के बाद में वो बेड में ऐसे लेट गया। आई हैड फाउंड द स्पेल ऑफ द पिक्चर इन एब्सोल्यूट लाइफ लाइकनेस ऑफ द एक्सप्रेशन। उसको एकदम लाइफ लाइक जैसी पिक्चर लगी थी वो एक्सप्रेशन के हिसाब से, विच एट फर्स्ट स्टार्टलिंग फाइनली को फाउंडेड मतलब कन्फ्यूज सबड्यूड एंड अपेल्ड मी, हॉरीफाइड कर दिया था उसको उस पिक्चर ने, विथ डीप एंड रिवरेंट मतलब अप्रिशिएटिव ऑ आई रिप्लेस द कैंडल ब्रोम इन इस फॉर्मल पोजिशन। तो वो इतना शॉकिंग में था, इतनी उसकी इस पिक्चर को देखने के बाद, इतने अट्रैक्टिव पिक्चर को देखने के बाद, वो थोड़ा डरा हुआ भी था किसी तरह से, तो उसने उसको जो कैंडल का स्टैंड था उसको वापस पहले वाली पोजीशन में कर दिया। द कॉज ऑफ माई डीप एजिटेशन बींग शट फ्रॉम व्यू आई सॉट ईगरली द वॉल्यूम विच डिस्कस द पेंटिंग्स एंड देयर हिस्ट्री। तो जो जिसकी वजह से वो इतना डिस्टर्ब हुआ था, वो अब आउट ऑफ साइट था,
वो पिक्चर, और अब उसने उस बुक में रेफ़र करना चालू कर दिया जिसमें उस पिक्चर के बारे में कुछ चैप्टर हो तो वो देखने के लिए उसने उस पिक्चर को, उसने बुक्स पढ़ना अगेन चालू किया दैट बुक को। टर्निंग टू द नंबर विच डेजिग्नेटेड द ऑल पोर्ट्रेट आई देयर रीड द वर्क एंड क्वेंट वर्ड्स विच फॉलो। तो उसने उस चैप्टर को निकाला जिसमें इस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन था, उसमें लिखा था, क्या लिखा था, शी वॉज ए मेडन ऑफ रेयरेस्ट ब्यूटी एंड नॉट मोर लवली देन फुल ऑफ ग्ली। वो एक गर्ल थी, मेडन मतलब अनमेरिड गर्ल, ए रेयर ब्यूटी की, ब्यूटी की, एंड मोर लवली देन फुल ऑफ ग्ली, ग्रेट डिलाइट वाली गर्ल थी। उस गर्ल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था उस चैप्टर में। एंड द एवल वॉज आवर वैन शी सॉ एंड लव्ड एंड वेडेड द पेंटर। उसमें डिस्क्रिप्शन ये भी लिखा था कि बुराई, मतलब बुरा ये था कि उसमें उस गर्ल ने उस टाइम में जब उसने उस पेंटर को देखा, उसको लव किया और उसके साथ शादी करी, ये उसकी सबसे बड़ी बुराई बुरी बात थी। इस चैप्टर में ऐसा लिखा था, ही पैशनेट्स पैशनेट्स ओके एंड ऑस्ट्री स्टूडियस, मतलब बहुत पढ़ने वाला ऐसा कुछ होता है। ऑस्ट्री मतलब स्ट्रिक्ट इन मैनर और एटीट्यूड, ऐसा भी पर्सन था। एंड हैवी ऑलरेडी ए ब्राइड इन हिज हार्ट, तो पहले से वो शादीशुदा था, ऐसा इसमें लिखा है। शादीशुदा किससे, अपनी पेंटिंग से, अपने आर्ट से, किसी पर्सन से नहीं। शी ए मेडन ऑफ रेयरेस्ट ब्यूटी एंड नॉट नॉट मोर लवली देन फ्लू ऑफ ग्ली ऑल लाइट एंड स्माइल्स एंड फ्रोक्लिक्सम लाइवली एंड प्लेफुल। फ्रोक्लिक्सम का मतलब लाइवली एंड प्लेफुल एज द यंग फॉन। तो एक वो ये तो उसके पेंटिंग के साथ जुड़ा हुआ था, उसका जो हस्बैंड जो था उसी को पसंद करता था, हमेशा उसी में लगा रहता था, बट इसकी वाइफ जो थी बहुत लवली और बहुत ब्यूटीफुल थी। ओके हेट ओके हेटिंग ओनली द आर्ट विच वॉज हर राइवल, और ये खाली किसी चीज़ को हेट करती थी तो वो उसके आर्ट की थी जो उसकी राइवल थी, उसकी दुश्मन थी। ड्रेडिंग ओनली द पैलेट एंड ब्रशेस, खाली वो डरती थी जो पैलेट जो ब्रशेस जो थे उसकी पेंटिंग के, अदर अनटवर्ड इंस्ट्रूमेंट और जो अंदर दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे पेंटिंग के, विच डिप्राइड हर ऑफ हर काउंटेनेंस ऑफ हर लवर, जो उसको मतलब उसके जो उसके हस्बैंड को वो उसमें बिजी करके रखते थे वो जो इंस्ट्रूमेंट जो थे, इसलिए वो उनको पसंद नहीं करती थी। इट वॉज दस ए टेरिबल थिंग फॉर दिस लेडी टू हियर द पेंटर स्पीक ऑफ हिज डिज़ायर टू पोर्ट्रे इवन हिज यंग ब्राइड। तो एक दिन उसके हस्बैंड ने इसको ये बोला कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा करके, बट ये इसको पसंद नहीं था। बट शी वॉज हम्बल एंड ओबीडियंट ओके, बट वो हम्बल ओबीडियंट थी ओके, एंड सेट मेकली फॉर मैनी वीक्स इन द डार्क, और एकदम चुपचाप बैठी रही डार्क में। हाई टरट चैम्बर, हाई टरट मतलब एक बड़ी बड़ी वॉल्स वाला चैम्बर था, टावर था, वेयर द लाइट ड्रिप्ट अपॉन द पेल कैनवास ओनली फ्रॉम ओवरहेड, और जहाँ पे लाइट आती थी खाली ऊपर से। बट ही द पेंटर टू ग्लोरी इन हिज वर्क विच वेंट ऑन फ्रॉम आवर टू आवर एंड फ्रॉम टू डे। बट खाली पेंटर को वो अपनी शान खाली इसी में समझता था कि वो पेंटिंग दिन रात करता रहता था। एंड ही वॉज ए पैशनेट्स एंड वाइल्ड एंड मूडी मैन, वो वाइल्ड एंड मूडी मैन था। हु बिकेम लॉस्ट इन रेवरीज, रेवरीज मतलब एबसेंट माइंडेड रहता था, सो दैट ही वुड नॉट सी दैट लाइट विच फेल सो घैस्टली इन दैट लोन टरट विदाउट द हेल्थ एंड स्पिरिट ऑफ हिज ब्राइड। उसने ये भी नहीं देखा कि जो लाइट आ रही है वो उसकी वाइफ के ऊपर पड़ रही है, ऊपर से जो आ रही है वो उसको इतनी ग्रूसम लाइट थी और वो उसको उसकी हेल्थ को ख़राब कर दी उसने, हेल्थ एंड स्पिरिट ऑफ हिज ब्राइड ओके। हु पाइंड विजिबली टू ऑल बट हिम, जो एकदम से थिन हो गई थी सबके लिए, बट इसको नहीं दिख रहा था ये सब पेंटर को। येट सी स्माइल्ड एंड स्टिल ऑन अनकम्प्लेनिंगली बिकॉज शी सॉ दैट पेंटर हु हैज़ हाई रिनोन टुक ए फेरविड एंड बर्निंग प्लेजर इन हिज आर्ट। वो उसने कुछ का कंप्लेन नहीं करी, लेडी ने कभी कंप्लेन नहीं करी, वो पेंटर जो है पेंटिंग बनाता गया बिकॉज उसका बहुत नाम था एंड पैशनेट्स था वो अपने काम के लिए। एंड रॉट डे एंड नाइट टू डिपिक्ट हर हु सो लव्ड हिम, और रॉट मतलब उसने परफॉर्म करता गया, काम करता गया उसकी पेंटिंग बनाने के लिए, उस लेडी की पेंटिंग बनाने के लिए। येट हु ग्रू डेली मोर डी स्पिरिटेड एंड वीक, और ये जो थी कमज़ोर कमज़ोर होती गई,
और इसकी हेल्थ डाउन होती गई थी. एंड द सूथ सम हु बी हेल्ड द पोर्ट्रेट स्पोक ऑफ हिज रिसेम्बलर्स इन लो वर्ड्स एज अ माइटी मार्वल एंड अ प्रूफ नॉट लेस ऑफ द पावर ऑफ पेंटर देन हिज डीप लव फॉर हर. और हर होम ही डिपिक्टेड सो सरप्राइज सरप्राइजिंगली वेल. तो वो एकदम उसकी ऐसी पेंटिंग बना रहा था जो एकदम लाइवली लगती थी और एकदम उसकी जैसी लग रही थी. बट एट लेंथ एज लेबर ड्रू मी नियरर टू हिज कंक्लूजन. बट जब उसका काम कंप्लीट होने वाला था, मतलब जो उसकी पेंटिंग कंप्लीट होने वाली थी, देर वर एडमिटेड नन इन टू द टर्रेट. कोई अंदर नहीं आ सकता था फॉर द पेंटर हैड ग्रोन वाइल्ड विद द आर्डूर. आर्डूर मतलब एकदम पैशनेट्स हो गया था पेंटर जो था ऑफ हिस वर्क एंड टर्न हिज आईज फ्रॉम द कैनवास मियरली इवन टू रिगार्ड द काउंटेनेंस ऑफ हिस वाइफ. तो खाली वो कैनवास में एकदम से बिजी हो गया था. एंड ही वुड नॉट सी द टिंट्स विच ही स्प्रेड अपॉन द कैनवास वर ड्रॉन फ्रॉम द चीक्स ऑफ हर हु सैट बिसाइड हिम. वो देखता भी नहीं था जो टिंट जो बना रहा था वो जिस कैनवास में बनाए थे वो उसकी जो चिक्स जो थे वाइफ की उसकी चिक्स जो थे वहाँ से लिए गए थे. मतलब वो डल होते जा रही थी और उसका जो कैनवास जो था वो अच्छे से अच्छा होता जा रहा था. एकदम जो पेंटिंग बना रहा था उसकी वो ये बहुत बढ़िया देखने लग गई थी बट ये डल होती जा रही थी. एंड व्हेन मैनी वीक्स हैड पास एंड बट लिटिल रिमाइंडेड टू डू सेव वन ब्रश अपॉन द माउथ एंड वन टिंट अपॉन द आई द स्पिरिट ऑफ द लेडी अगेन फ्लिकर्ड अप एट द फ्लेम विद इन द सॉकेट ऑफ द लैम्प. बट जो उसकी लेडी की जो स्पिरिट जो थी जो उसकी आत्मा जो थी वो धीरे धीरे बुझ रही थी जैसे लैम्प की जो फ्लेम बुझती जाती है. एंड व्हेन द ब्रश वाज गिवन एंड देन द टिंट वाज प्लेस एंड फॉर वन मोमेंट द पेंटर स्टूड एंट्रेंस मतलब डिलाइटेड हो गया था बिफोर द वर्क विच ही हैड रॉट. जो रॉट मतलब जो उसने काम किया था. बट इन द नेक्स्ट वाइल ही येट गेज ही ग्रू ट्रिमेनस एंड वेरी पैलिड एंड अगास एंड क्राइंग विथ लाउड वॉइस. और एकदम से जब उसका काम कंप्लीट हुआ तो बहुत लाउड वॉइस में चिल्लाया दिस इज इंडीड लाइफ इटसेल्फ. ये जो मैंने बनाया ये खुद एक लाइफ है. मतलब एकदम ऐसी पेंटिंग बनाई उसने उसकी कि वो एकदम से लाइफ एकदम लाइफफुल दिखती थी एकदम. एंड टर्न सडनली टू रिगार्ड इज बी लाउड. और एकदम अपनी वाइफ की तरफ टर्न हुआ जो ऑलमोस्ट डाइड थी नाउ डाइड हो गई थी शी वॉज डेड. तो उसने पेंटिंग तो बहुत अच्छी बना दी जो एकदम लाइफ लाइफफुल थी बट उसकी वाइफ जो थी लास्ट में एकदम डेड हो गई. तो ये उस बुक में लिखा था. ये ऑथर के बारे में लिखा है. सो यू अंडरस्टैंड दिस यू कैन आस्क एनी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स और समथिंग यू हैव एनी केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू वेरी मच.